साधु साधु साधु। अशुभ ध्यान। आप एक एकांत जगह पर जाकर बैठिए। बैठकर अपना शरीर में सिर से लेकर के पैर तक अच्छा से ध्यान दे दीजिए। किसान धान जमा करके एक झोला में सारे धान को बीज को डाल देता है। फिर किसान वो झोला से एक एक दाना निकाल देता है। ये है चावल, ये है मूंग, ये है दाल, ये है मकई, ऐसे करके अलग अलग निकाल देता है उसी झोला के धान बीज। वैसे ही अभी आप अपना शरीर का हर एक पार्ट्स अलग अलग करके देखना चाहिए। हर एक पार्ट्स का सत्य को समझना चाहिए। अब शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपना शरीर को हल्का कीजिए, ज्यादा भारी जैसा नहीं। अब देखिए सिर को, सिर पर ध्यान दे दीजिए। ये सिर पर है बाल, हम केस कहते हैं। ये बाल देखने में तो सुंदर लगता है। तेल लगा के रोज साबुन शैम्पू से धोने के बाद ये बाल धमकता है, मगर ये सत्य नहीं है। अच्छा से बाल को देखिए। ये बाल एक दो सप्ताह तक बिना धो के रख दिया तो पूरा गमकना शुरुआत हो जाएगा। ये बाल सट जाएगा क्योंकि सिर के अंदर जो पीप है, तिल है, खून है, गंदगी है, उसी गंदगी से ये बाल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होकर सिर का चमड़ी से बाहर निकल जाता है। ऐसे निकलने वाले बाल गमकता है। कहीं नौवा के पास, बाबर के पास ये बाल फेंका हुआ दिखाई देता है, मगर हमको वो दिखने वाले बाल उठाने का मन एकदम नहीं करता है क्योंकि बाल गंदगी है। ये बाल गमकता है। काना का बर्तन में, सब्जी में ये बाल गिर गया तो, बाल रह गया तो बहुत खराब लगता है। हमारे ये सिर के ऊपर बाल
गंदगी है, बदबू मारता है। अब ध्यान से देखिए, शरीर के हर जगह पे बाल है, छोटा छोटा। ये छोटा छोटा बाल भी गमकता है, वो भी शरीर के अंदर जो पीप, तिल, खून इत्यादि गंदगी है, उस गंदगी से ही उत्पन्न होता है। ये बाल बूढ़ा होते होते सफेद हो जाता है, शरीर का बाल भी गमकता है। बूढ़ा होते होते शरीर का बाल गिर जाता है, ये गंदगी बाल है शरीर में। अब देखिए, अंगुली ऊपर, पैर के अंगुली के ऊपर, हाथों में अंगुलियां के ऊपर नाखून है, बहुत मजबूत है, मगर ये नाखून अंगुली के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी से नाखून बनकर निकल जाता है बाहर। ये नाखून गमकता है, देखने में सुंदर लगता है। ध्यान से देखिए, नाखून का क्या सुंदर है, कुछ नहीं, सब एक माया है। ये नाखून अगर आपका खाना में मिल गया तो, चावल खाते समय नाखून निकल गया तो किसी का कितना खराब लगता है, शायद उल्टी आ सकता है। ये नाखून गंदगी है, बूढ़ा होते होते ये नाखून सड़ जाता है, ठेढ़ा होता है, कुरूप होता है, सुंदरता खत्म होता है। ये नाखून मिट्टी साथ मिल के खत्म हो जाता है, ये नाखून किसी को पसंद नहीं है। नाखून काटने के बाद वो काटा हुआ नाखून हम लोग किताब के अंदर गोदरेज में रखते नहीं हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि नाखून गंदगी है। यही नाखून सभी का शरीर में है, अंगुली में। आप ध्यान से देखिए, शरीर के अंदर, मुंह के अंदर, ओठ के पीछे उजल रंग का बहुत सारे हड्डियां हैं। हम उस हड्डियां को दांत कहते हैं, देखने में चमकता है, मगर ये तो बहुत मजबूत हड्डी है। ये दांत की हड्डियां रोज साफ करना पड़ता है, अगर साफ नहीं करेंगे तो बदबू मारता है, सड़ा हुआ गोंद जैसा, पेकाना जैसा कुछ ये दांतों में बन जाता है, पीला रंग का, बहुत ही खराब लगता है। ये दांत एक दो सप्ताह साफ नहीं किए तो बहुत गमकता है। कोई कोई लोग बीमार पड़ता है,
वे लोगों को खाना नहीं खा पाता है। वे लोग पानी से जीवन बिताते हैं, जूस पीते हैं। वे लोगों का सारे दांत गोंद जैसा पीला रंग का गंदगी से भर जाता है। मुंह खोलने से पूरा ओठ सट जाता है, दांत सट जाता है, बहुत खराब है। वो है दान का सत्य। यही दांत अपना मुंह में है, ध्यान से देखिए। ये दांत बद्दू मारते समय किसी से बात नहीं कर सकता है। सभी लोग मुंह बंद करके, नाक बंद करके चल जाता है। इतना ही बदबू मारता है ये दांत से। दांत मुंह के अंदर रहते समय ही सड़ जाता है। फिर बूढ़ा होते होते एक एक करके दांत गिर जाता है। करोड़ों अरबों लोगों का दांत जमीन में गिर गया, सब मिट्टी बन गया। यही गंदगी दांत ये मुंह के अंदर है। अब ध्यान से देखिए, पूरा शरीर को बंद करके सुंदर पेंटिंग किया जैसा, पूरा शरीर को बंद करके एक चमड़ी है। सिर से लेकर पैर तक अपना पूरा शरीर को ढक दिया। ध्यान से देखिए, चेहरा पे चमड़ी है, गर्दन चमड़ी से बंद हो गया है, छाती चमड़ी से बंद हो गया है, पेट चमड़ी से बंद हो गया है, पीठ चमड़ी से ही बंद हो गया, दोनों हाथ चमड़ी से बंद हो गया, दोनों पैर चमड़ी से बंद हो गया। जानवरों का चमड़ी जैसा ये चमड़ी निकाल सकता है। इस चमड़ी में खुजली आता है, घाव आता है, कई प्रकार की बीमारियां आते रहता है। कभी कभी ये चमड़ी काला है, घोरा है, मगर ये चमड़ी तो गंदगी है। चमड़ी का सच्चाई अब देखिए। एक दो सप्ताह तक ये चमड़ी नहीं धोया तो, साबुन वगैरह से नहीं धोएंगे तो पूरा चमड़ी से बदबू मारता है। हाथ के अंदर, गर्दन, पैर के अंदर, पेट से, हर जगह से बदबू देता है, गमकता है। जो कोई स्नान नहीं करता है उन लोगों के पास कोई आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि बदबू है, गमकता है। मगर ये सत्य है। ऐसे ही गमकने वाली गंदगी चमड़ी सभी लोगों के पास है, मगर इस चमड़ी को देखकर आसक्त भी होता है। ध्यान से देखिए, इस चमड़ी में आसक्त होने का कुछ है क्या? कुछ नहीं है, एक माया है। मन से संकल्प बना के उसी संकल्प पर आसक्त होता है।
सच्चाई देखिए। ये चमड़ी में खुजली आने के बाद, घाव आने के बाद, खून ये चमड़ी को छूता है, चूमता है, खोई नहीं। कभी कभी सुंदर चमड़ी आग से जल जाता है। याद करी आग से जला हुआ शरीर को कितना कुरूप लगता है। वो है चमड़ी का असलियत। बूढ़ा होते होते ये चमड़ी सूख जाता है। चमड़ी से छोटा छोटा छवि निकल जाता है। ये चमड़ी गंदगी है। ये चमड़ी सड़ जाता है। ये चमड़ी गमकता है। अब अपना मन से ये शरीर का चमड़ी को निकाल दीजिए। मन से सिर से लेकर के पैर तक चमड़ी को हटा दीजिए। मन से अब कैसे लगता है? अब तो बकरी को चिलाया जैसा, मुर्गा को चिलाया जैसा, गाय को चिलाया जैसा, कुत्ता को चिलाया जैसा शरीर लाल रंग का दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए अपना शरीर को। लाल रंग का मांस दिखता है चेहरा पे, लाल रंग का मांस। गर्दन पे मांस दिखाई देता है, छाती पे मांस दिखाई देता है, पीठ में मांस दिखाई देता है, दोनों हाथ में भी मांस। देखिए चमड़ी को हटाकर लाल रंग का खून मिला हुआ, तेल मिला हुआ मांस दिखाई देता है। पेट में मांस देखिए, दोनों पैर का मांस देखिए। कौन पसंद करेगा ये मांस को? कोई नहीं, कोई नहीं। कभी कभी ये शरीर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी के अंदर चल जाता है, ट्रेन से एक्सीडेंट होता है। ऐसे होने के बाद सिर फेंका जाता है, हाथ पैर फेंका जाता है, मांस अलग होता है। ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद दिखने वाले मांस अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। सभी लोग नाक बंद करके चल जाता है, ये मांस गमकता है। ये मांस से बहुत बदबू मारता है। ध्यान से देखिए अपना शरीर में वही मांस है, सबका शरीर में वही मांस है। ये मांस कभी कभी दिखाई देता है घाव होने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, कोई जाके चूता है, चुमता है, सभी लोग थूपेगा, इतना ही गंदगी है ये मांस। अब ध्यान से देखिए ये मांस के बीच में हजारों नस इधर उधर दौड़ता है, सिर से लेकर के पैर तक बहुत सारे नस है। गमकने वाले खून को
इधर उधर ले जाने वाले नस को देखिए। बिल्कुल मजबूत है नस, मगर ये नस गमकता है, बहुत गमकता है। आप ध्यान से देखिए, ये शरीर का चमड़ी को हटा दीजिए, मांस भी हटा दीजिए, सब कुछ अलग कर दीजिए। अब क्या बचा? कंकाल, सिर से लेकर के पैर तक कंकाल बचा हुआ है, एक भूत जैसा कुरूप लगता है। देखिए ये कंकाल का खोपड़ी, बड़ा आंख अब नहीं, अब दो गो छेद दिखाई देता है। नाक देखिए, उधर भी एक छेद है। मुंह देखिए, बहुत बड़ा मुंह है, ये कान से लेकर के दूसरा कान तक मुंह लंबा है। गर्दन देखिए, सिर्फ हड्डी को देखिए, गर्दन का हड्डी बहुत पतला है। अब छाती को देखिए, थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हड्डी छाती पे है। अब ध्यान से देखिए, दोनों हाथ, दाएं साइड का हाथ दाएं साइड से लटका हुआ है, बाएं तरफ का हाथ बाएं तरफ में लटका हुआ है। देखिए ध्यान से, उजला रंग का हड्डी हाथ में, नीचे देखिए लंबा अंगुली। अब पीठ का हड्डी को देखिए, पीठ में जो रीढ़ है उसी रीढ़ में जॉइंट हो गया है, कमर का बड़ा हड्डी है। ध्यान से देखिए, गाय का मुंह जैसा, सिर जैसा, उस कमर में भी दाएं साइड में दाएं पैर लटका हुआ है, बाएं साइड में बाएं पैर लटका हुआ, घुटनी से झुका हुआ है। अंगुली तक देखिए, लंबा अंगुली, ये है कंकाल। क्या है इसमें? कुछ नहीं, ये कंकाल भी गमकता है। अगर किसी आदमी का कंकाल अपना कमरा के अंदर दिखाई दिया तो बहुत खराब लगता है। ये कंकाल भी मिट्टी साथ मिलके मिट्टी बन जाता है, ये कंकाल गंदगी है। अब ध्यान से देखिए, शरीर के अंदर खोपड़ी के अंदर देखिए, ये खोपड़ी के अंदर है उजला रंग का मांस, उसे हम दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। ये दिमाग भी गमकता है, तेल जैसा गंदगी दिमाग में लगा हुआ है, हमेशा दिमाग से बदबू मारता है। ये दिमाग नारियल जैसा, कच्चा नारियल जैसा है, ये दिमाग भी गमकता है। अब देखिए, छाती के अंदर पिपड़ा है,
श्वास लेने से पेपड़ा फूल जाता है, श्वास छोड़ने से ये पेपड़ा सूख जाता है, ये पेपड़ा बहुत ही गमकता है। पेपड़ा को निकाल दीजिए मन से, कौन प्यार करेगा ये गंदगी पेपड़ा को। अब ध्यान से देखिए, खून इधर उधर ले जाने वाले इंद्रिय, हृदय, दिल, ये हृदय भी गमकता है। लोग ये हृदय को मांगता है, दिल दे दो मुझे, ऐसा करके। असलियत में ये हृदय निकाल के दिया तो कौन लेगा, इतना गमकने वाले गंदगी, पीप, खून, तिल साटा हुआ, पीला रंग का तिल लगा हुआ ये हृदय को कौन स्वीकार करेगा। ये सचमुच में गमकता है। ये हृदय सड़ जाता है। अब ध्यान से देखिए, आमाशय है, खाना खाने के बाद उस खाना उसी आमाशय में जमा हो जाता है। हम लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, सेव, नाशपाती, चावल, रोटी, आइसक्रीम, मगर ये सब खा के फिर उल्टी कर दिया तो कितना गमकता है। खाना उल्टी करने के बाद द्वारा वो उल्टी कौन खाएगा। अब समझ में आता है, ये शरीर के अंदर बिल्कुल गमकता है। अब समझ में आता है, ये शरीर के अंदर बिल्कुल खराब है। ये आमाशय भी सड़ जाता है, और आखमा है बहुत बड़ा मांस, वो भी गमकता है। अब ध्यान से देखिए, पेट के अंदर है बड़ी आंत, छोटी आंत। खाना खाने के बाद वो खाना पचा के पकाना बनाने के लिए ये आंत से खाना लेके जाता है। वही आंत बहुत ही कुरूप है। कोई आदमी चाकू से पेट पे मार दिया तो आंत निकल जाता है। ये आंत बहुत गमकता है, बहुत गमकता है, गंदगी है, गंदगी लगा हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान से देखिए, इस शरीर के अंदर दिखाई देता है पेकाना, आंत से जाकर के पेकाना बन गया खाना, वही पेकाना बहुत गमकता है। टॉयलेट करके वो पेकाना द्वारा कौन दिखेगा, साफ करना पड़ेगा टॉयलेट को, क्योंकि ये पेकाना बहुत गमकता है। वो अपना शरीर से ही निकल गया। सुंदर सुंदर हीरो हीरोइन का शरीर में भी वही पेकाना है। शरीर के अंदर क्या, उसी शरीर में माया में सारे लोग फंस जाते हैं। ध्यान से देखिए,
ये शरीर के अंदर यही गंदगी दिखाई देता है। इस शरीर के अंदर हीरा मानी मोती जैसा कुछ भी कीमत चीज है क्या? कुछ नहीं। नीचे से दोनों किडनी दिखाई देता है, किडनी भी बहुत गमकता है, बहुत ही गमकता है। ये शरीर के अंदर कैंसर आता है, शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां आता है। इस शरीर में है, ध्यान से देखिए, तुप, मुंह के अंदर तुप है, हमेशा तुप आते रहता है मुंह पे। हम लोग क्या करते हैं, ये तुप पीते हैं, आने वाले तुप को पीते हैं, फेंकता नहीं। ये तुप मुंह से निकाल के कौन द्वारा पिएगा? कितना खराब लगता है। सचमुच में ये तुप बहुत गमकता है, खराब लगता है। कहीं रास्ता पे तुप डाल दिया तो कितना खराब लगता है। अब देखिए, ककार है, नेटा शरीर के अंदर है, सर्दी होने के बाद निकल जाता है गोंद जैसा, और पीला रंग का निकल जाता है कफने से, कोकी होने के बाद निकल जाता है पीला रंग का। ये सारी गंदगी गमकता है शरीर के अंदर, ये सब है। ध्यान से देखिए, ये तुप ककार नेटा को कौन प्यार करेगा? सुंदर सुंदर लोगों के पास, राजा रानी लोगों के शरीर में भी ये गंदगी है। ये गंदगी हर एक का शरीर में है। इस शरीर के अंदर खून है, लाल रंग का खून निकल गया तो खून भी गमकता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो खून निकल जाता है, वो निकलने वाले खून बहुत ही गमकता है। हम ध्यान से देखिए, ये चमड़ी और मांस के बीच में पीला रंग का तेल है, चर्बी। ये तेल भी बहुत ही गमकता है, ये तेल बदबू मारता है। चमड़ी और मांस के बीच में जो चर्बी है, वो चर्बी बिल्कुल खराब लगता है। अब ध्यान से देखिए, इस शरीर में पेशाब है, पीने वाले पानी को शरीर के अंदर ले जाके किडनी से पेशाब बना देता है। पेशाब पानी जैसा द्वारा पी नहीं सकता, क्योंकि ये पेशाब बहुत ही गमकता है। जहां कोई भी पेशाब करता है वहां बदबू मारता है, जहर जैसा है, दवा डालना पड़ता है, इतना ही गंदगी ये शरीर के अंदर है। ध्यान से देखिए, ये चमड़ी से बाहर भी पानी निकलता है, उसे हम पसीना कहते हैं। ये पसीना भी बदबू मारता है, हमेशा सेंट लगाना पड़ेगा, पाउडर परफ्यूम लगाना पड़ेगा, नहीं तो गमकेगा ये शरीर, कपड़ा भी गमकेगा, इतना गमकने वाले पसीना चमड़ी से निकल जाता है। वो पसीना सूखने के बाद
गोंद जैसा सट जाता है, बहुत खराब लगता है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आँख का छेद से आँख से भी पानी निकलता है, वो है आंसू। आंसू कौन पिएगा? आंसू भी गंदगी है, आँख से निकलने वाले। ये सारी गंदगी पूरा शरीर में है। कान से गंदगी निकलता है पीप जैसा, हमेशा कान साफ करना पड़ता है। नाक से हमेशा गंदगी निकलता है, नेटा वगैरह कौन पसंद करेगा। आँख से भी गंदगी निकलता है, सुबह सुबह देखिए। मुंह से भी हमेशा गंदगी निकल जाता है, नीचे से पेशाब निकल जाता है, ठिकाना निकल जाता है। ये शरीर से कहीं भी कुछ भी निकल गया तो गमकने वाले गंदगी निकल जाता है। ऐसा है तो ये शरीर असलियत में गमकता है, ये शरीर असलियत में बदबू मारता है। अगर ये शरीर मर गया तो जंगल में डाल दिया तो धीरे धीरे सड़ जाएगा, फूल जाएगा, हर जगह से गंदगी निकल जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, कौन प्यार करेगा ऐसा शरीर को। संसार में सुंदर लोग मर जाते हैं, कुरूप लोग मर जाते हैं, नाटे लोग, लंबे लोग, घोरे लोग, काले लोग मर जाते हैं, पानी से मर जाते हैं, तूफान से मर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा से मर जाते हैं। मगर वो मरने वाले लोगों का शरीर पर कौन प्यार करेगा। शरीर सड़ने के बाद, गलने के बाद, कीड़ा लगने के बाद कौन जा कर के छुएगा। काला रंग का मोटा हो गया हुआ, कीड़ा लगा हुआ, गंदगी निकलने वाले शरीर को कौन पकड़ेगा, कौन किस करेगा। सचमुच में ये शरीर तो गंदगी है, चाहे स्त्री या तो पुरुष, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, किसी का भी शरीर ऐसा ही है। चाहे वो लोक सुंदरी, चाहे वो हीरोइन, चाहे वो हीरो, चाहे वो क्रिकेटर, चाहे वो कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति, मंत्री, कोई भी हो सकता है, प्रेमी, प्रेम भी हो सकता है, वो सारे लोगों का शरीर गमकता है। सारे लोगों का शरीर काट के देख लिया तो गंदगी निकल जाता है। ये शरीर कुछ समय के लिए मिल गया, ये शरीर बदल जाता है, ये शरीर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये गमकने वाले, बदबू मारने वाले ये शरीर मेरा अपना वश में नहीं कर सकता है। शरीर अपने जन्म लिया, अपने बढ़ गया, अपने बीमार पड़ गया, अपने मर गया, अपने जल गया, या तो फिर मिट्टी साथ मिल गया। ये शरीर पर आसक्त होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये शरीर को सच्चाई ध्यान से देखिए। ये शरीर से मुक्त होना चाहिए, शरीर पर उत्पन्न होने वाले राग को नष्ट करना चाहिए। इसलिए ये अशुभ ध्यान से अपना मन की राग को
नष्ट हो जाए। साधु।